बेटियां जनवरी में आती हैं और लीपा पोती की जाती है, एक कमेटी बना दी जाती है और वो 3 महीने उनको जो है मामले को दफा करने की, ठंडा बस्ते में डालने की कोशिश थी। 3 महीने के बाद जब कमेटी का फैसला नहीं आता, बेटियों को महसूस होता है कि न्याय नहीं हुआ, बेटियां दोबारा आ जाएं। 6ठा महीना है और मामला कितने सालों से चल रहा है, आप कहते हैं जल्दबाजी में, जल्दबाजी है। 6 महीने 6 मिनट एक बेटी से पूछिए, हो गया ना मैम? हाँ, तो बहुत FIR होती है, चार्जशीट नहीं होती है, मुकदमे अदालत तक नहीं पहुँचते हैं, पहुँच जाए तो न्याय नहीं होता है, ये कोई बात नहीं है। न्याय तब होगा जब भाजपा का ये सांसद जिसपे गंभीर आरोप लगे वो गिरफ्तार होकर जेल चला जाएगा, कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और कोर्ट की सुनवाई फास्ट ट्रैक में हो, 3 महीने में हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, बेटियों को न्याय मिले। तब महिलाओं ने सख्त समर्थन मांगा, बीजेपी से भी अनुरोध किया, लेकिन बीजेपी की महिला नेता अभी तक समर्थन में नहीं आई। कैसे आएंगी जब वो ब्रजभूषण के समर्थन में खड़ी है, उसको बचाने के लिए वहाँ खड़ी है, उनका रास्ता वो है, हमारा ये, तो कैसे उम्मीद करते हैं वो यहाँ आए? मैं अगर यहाँ हूँ तो आप मुझसे उम्मीद करते हैं मैं ब्रजभूषण के साथ खड़ी दिखूंगी? मैंने अपना रास्ता चुना, उन्होंने भी, भाजपा की महिला सांसदों ने, केंद्रीय मंत्री ने, महिला बाल विकास मंत्री ने अपना रास्ता चुन लिया है कि वो बेटी नहीं बचाएंगी, वो अपना अपराधी दोषी जिसपे यौन उत्पीड़न के आरोप है उसे बचाएंगी। अब देश देखेगा कि विदेश किसके साथ है। पीएम संदेश भेज रहे हैं चुनावी राज्यों के लिए, क्या संदेश महिला पहलवानों के लिए? कर्नाटक में चुनाव अभी चल रहा है, ये पूरा घटनाक्रम कर्नाटक का चुनाव के दौरान हो रहा है और मैंने जैसे कहा कल ही, मैं 1 महीने के बाद कर्नाटक से आई हूँ, कन्नड़ की अखबारें पूरी तरह से हमारी बेटियों की इस तस्वीरों को रोज छाप रही हैं, रोज दिखा रही हैं और इसका असर कर्नाटक के कल वोट है उस पर भी आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा। कर्नाटक में मोदी जी बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरने पर बेटियां बैठी नहीं, कर्नाटक में उन्होंने ऐसा नहीं बोला, अब वो ये बोल भी नहीं रहे हैं, अब वो बेटी बचाओ का नारा भूल गए हैं, अब मुश्किल हो गया है बेटियों को बचाना, क्योंकि जिनसे बचाना है वो कोई और ही नहीं के विधायक इन्हीं के साथ। न्याय मिलेगा, न्याय का रास्ता यहीं से निकलेगा, किसी जंतर मंतर से, यहीं से किसानों के साथ भी न्याय हुआ, घुटने पर आई ये तानाशाह सत्ता, अब भी यहीं पर न्याय मिलेगा, बिल्कुल 100% इन पर भरोसा जो यहाँ आए हुए हैं, सत्ता सरकार से भरोसा नहीं है, यहाँ जो आए हैं बेटियों के साथ खड़े हैं उन पर भरोसा है।